लॉन्गेस्ट पाथ विद डिफरेंट एडजेसेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर दिया है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम इसे सॉल्व मतलब कैसे करेंगे। एक्चुअली इसको मैं टॉपोलॉजिकल सॉर्ट से ट्राई करने वाला था, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग कांज एल्गोरिथम। बट यहाँ पे मैं DFS से ही करूँगा, क्योंकि हम जो पिछले दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन ट्रीज के कर रहे हैं वो हम DFS से कर रहे थे। अब हमें प्रीटी क्लियर है कि DFS क्या होता है, राइट। डेप्थ फर्स्ट सर्च करेंगे। सबसे पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं एडजेसेंसी लिस्ट, राइट। तो पहले हम एडजेसेंसी लिस्ट को डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे मैं एन साइज की बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को 2D मैट्रिक्स जब मैं बनाता हूँ तो नंबर ऑफ रोज बताने होते हैं। नंबर ऑफ रोज मेरे एग्जैक्टली पेरेंट जो मेरे को दे रखा है यहाँ पे उसके साइज के बराबर होंगे, ठीक है। रोज हमको एजेस दिए थे लास्ट टू क्वेश्चंस में, आज हमको हर एक नोड का पेरेंट दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर रेंट आई इज इक्वल टू वन। आई इज इक्वल टू वन क्यों लिया है मैंने, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पहले -1 दे रखा है, तो मुझे वाले -1 मैं नहीं ले रहा हूँ आज। मैं रिपीटेड एजेस नहीं लूंगा, क्योंकि रिपीटेड एजेस में ना मोस्टली हमको फिर एक कंडीशन लगानी पड़ती है कि क्या वो एज हमारे करंट के बराबर है कि नहीं। जैसे हम 0 से 2 लिखते थे और 2 से 0 हम इंसर्ट कर देते हैं, राइट। तो जो 2 से 0 वाला है ना वो इन्फिनिटी लूप में फंसा रहा था, तो आज हम इसको डायरेक्टेड ही लेंगे, मतलब 0 के लिए 2 ही लेंगे और 2 के लिए 5 ही लेंगे, मतलब रिपीटेड नहीं लेंगे, 5 के लिए 2 और 2 के लिए 0 नहीं लेंगे, उल्टा नहीं लेने वाले, ठीक है। आई प्लस प्लस कर दूंगा और सिंपल सा है, ADJ जो मेरा पेरेंट ऑफ आई है उसके उसमें पुश करता हूँ आई। एडजेसेंसी इस लाइन का मतलब ये हो गया, जैसे मेरा 0 है, ठीक है, मैंने फर्स्ट से नहीं लिया, -1 के लिए मैं नहीं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा जो 0th नोड है उसका जो पेरेंट है, जो मेरा 0th नोड है वो किस किस का पेरेंट है, मेरे फर्स्ट इंडेक्स वाले का और सेकंड इंडेक्स वाले का, देख रहे हो, 1 और 2 के लिए, तो मैंने वही इंसर्ट कर दिया। जो मेरा 0th इंडेक्स है, जैसे पेरेंट ऑफ 1 क्या है, 0 है, 0 के लिए पुश बैक कर दो 1, 0 के लिए पुश बैक कर दो 1। जब i2 हो जाएगा, 2 पे भी 0 है तो उसमें यहाँ पे 2 इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा 3 यहाँ पे 1 आ गया, 1 के लिए 3। जब ये 3 i3 होगा, जब i3 हो जाएगा, पेरेंट ऑफ i क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट ऑफ i क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है पेरेंट, 1 किस किस का पेरेंट है, देखो इंडेक्स इंडेक्स 3 है, 0 1 2 3 हमने पुश बैक कर दिया 3। फिर उसके बाद इंडेक्स क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, समझ रहे रिलेशन। तो डायरेक्ट हमने ऐसे एडजेसेंसी लिस्ट बना दिया, 2 के लिए क्या है 5, 0 1 2 3 4 5, 2 के लिए 5। जैसे हम नॉर्मली एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं वैसे हमने बना दी। एक मैं ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ जो हमारा मैक्स पाथ इनिशियलाइज करेगा, इसको मैं 0 ले लेता हूँ। एंड में जब हम DFS का कॉल मार देंगे उसके बाद मैं मैक्स पाथ को, जो भी मेरा मैक्स पाथ आ रहा होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। क्वेश्चन में हमको कह रखा है कि हमें लॉन्गेस्ट पाथ रिटर्न करना है और एडजेसेंट नोड जो हैं उनमें सेम कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे ए और ए सेम कैरेक्टर है, इसको हम पाथ में कंसीडर नहीं कर सकते। बी और बी है तो ये पाथ कंसीडर नहीं होगा। तो जो ऐसा कोई लॉन्गेस्ट पाथ एक ट्री में जो पॉसिबल है, जिसमें जो भी एडजेसेंट नोड है, मतलब इसके बाद वाली जो भी स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ मैं, उसमें जो भी मेरा है एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा एक रैंडम वेरिएबल आना चाहिए, जैसे ए सी बी या ए बी सी। ए ए बी नहीं चलेगा या फिर ए बी बी नहीं चलेगा, ठीक है। DFS की कॉल में हम क्या करते हैं, एक हमारा जो करेंट नोड है वो भेजते हैं, उसका पेरेंट नोड भेजते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट भेजते हैं, और फिर जो भी हम अपना प्रोसेसिंग करने वाले हैं उसका हमको यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग करनी है, हमको ये चेक करना है कि जो हमारा करंट नोड है और जो हम पाथ बनाने वाले हैं उसका जो पहला नोड होगा वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो मुझे स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इन्होंने स्ट्रिंग दे रखी ना हमको, इंडेक्स वाइज लेबलिंग दे रखी, जैसे 0th इंडेक्स पे ए है, फर्स्ट इंडेक्स पे बी है, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे फिर ए है, तो ये मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक स्ट्रिंग एस भी भेज देता हूँ। अब मैं अपना फंक्शन लिखूंगा डेप्थ फर्स्ट सर्च का, int DFS। पहला नोड क्या है मेरा, 0 क्या है, करेंट नोड है, तो मैं लिख दूंगा करेंट, -1 क्या है, पेरेंट नोड। उसके बाद मेरा एडजेसेंसी लिस्ट है, उसके बाद एस क्या है, स्ट्रिंग एस, ठीक है। अब इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, अब हम एक फॉर लूप लगाते हैं, ऑटो एच जो भी मेरा एडजेसेंसी लिस्ट में करंट है उसको तुम इटरेट कर दो,
तो जो भी मेरा सब पाथ लेंथ आएगा ये मुझको कैलकुलेट करके दे देगा ना। अभी हमेशा हम यही करते हैं, DFS में कॉल मारते हैं, कुछ सब प्रॉब्लम्स आती हैं, सब सब रिजल्ट आते हैं, जैसे वो इस पे जाएगा फिर इस पे जाएगा, फिर यहाँ से कुछ रिजल्ट मेरे को कंप्यूट करके देगा, फिर वापस वापस करते जाएगा, फिर मेरा जो करंट होता है, जो मेरा करंट होता है क्या बन जाता है? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था? पेरेंट चेंज हो जाता है और मेरा करंट भी चेंज हो जाता है। करंट क्या हो जाता है? करंट मेरा एज हो जाता है और पेरेंट मेरा करंट हो जाता है। यही होता है ना, जैसे यहाँ पे जीरो है, जीरो के लिए वन की कॉल जब जाएगी तो जीरो से जब हम वन जाएंगे, वन का पेरेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जो मेरा करंट एज है, एज मेरा करंट हो जाएगा, एज मेरा करंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं DFS का कॉल मारूंगा, और क्या क्या है मेरे पास? ADJ है और S है, ये मेरा DFS का कॉल होगा। और एंड में मैं सिर्फ अपनी मैक्सिमम बात को रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम लॉजिक क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम लॉजिक क्या लगाने वाले हैं? लॉजिक हमारा ये लगेगा, जैसे इंसर्ट एरो। अब जो मेरी एडजेसेंसी लिस्ट है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, मेरी एडजेसेंसी लिस्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे जब मैं रिकर्सिवली पहले जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, जीरो से पहले मैं वन नोड पे जाऊँगा, फिर मैं वन से कहाँ जाने वाला हूँ, वन से मैं थ्री पे जाऊँगा, थ्री से ख़त्म हो गया ना यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे लेंथ चाहिए, मैक्सिमम लेंथ क्या है? पहले मैं जीरो से जाऊंगा यहाँ पे वन पे, फिर मैं वन से जाऊंगा DFS के कॉल के हिसाब से, वन से मैं जाऊंगा थ्री पे, रुको इसको यहाँ पे कर देते हैं, वन से मैं जाऊंगा थ्री पे। ठीक है, अब थ्री के नीचे तो मैं जा नहीं सकता हूँ, तो यहाँ से जो यहाँ पे मेरी जो लेंथ होगी, यहाँ पे जो मेरा लेंथ होगा, यहाँ पे थ्री नोड, थर्ड नोड पे मेरी लेंथ कितनी है? एट थर्ड नोड मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी है? यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ मेरी जीरो है, राइट? मैक्सिमम लेंथ मेरी जीरो है। जब मैं थ्री से वन तक आऊँगा वापस, अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा ना, तो इसको कुछ वापस दूंगा मैं वापस, तो यहाँ पे मैं इसको क्या रिटर्न करने वाला हूँ? वन रिटर्न कर दूँ यहाँ पे मैं इसको, तो जब मैं इसको टू को वापस करूँगा तो ये वन हो जाएगा यहाँ पे। अभी मेरी पाथ लेंथ क्या हो गई? अगर पाथ, अब यहाँ पे हमको पाथ लेंथ, एक मैक्सिमम लेंथ ले लेंगे हम लोग, एक वेरिएबल मैक्सिमम लेंथ लेंगे, एक पाथ लेंथ लेंगे। पाथ लेंथ मैं तभी वन करूँगा, पाथ लेंथ मेरी तब वन होगी, पाथ लेंथ मेरी तब वन होगी। अभी मैक्सिमम लेंथ जीरो है, ठीक है। इफ इफ जो मेरा एस एट थ्री है, एस एट थ्री इज नॉट इक्वल टू एस एट वन, मतलब जो भी मेरा एच है और जो उसका करंट है, करंट जो मेरा मतलब पेरेंट है, जो मेरा पेरेंट नोड है और जो मेरा चाइल्ड नोड है, अगर वो दोनों का जो लेबल है, ये एस मैंने तभी लिया, स्ट्रिंग है ना हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तभी मैं अपनी पाथ लेंथ को इंक्रीज करूँगा, तभी मैं अपना पाथ लेंथ जो भी होगा मेरा पाथ, क्योंकि हर एक पाथ के लिए मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ ना, यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स भी हो सकते हैं। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम लोग को ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो भी मेरी मैक्सिमम लेंथ आने वाली है वो हमेशा मेरा रूट नोड से जाने वाली है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो हमेशा मैं पाथ लेंथ को प्लस वन कर दूंगा, वरना पाथ लेंथ मेरी जीरो कर दूंगा, क्योंकि वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता ना अगर ये जीरो, जैसे यहाँ पे ए ए है, नीचे चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए ए ये एडजेसेंट हो गए ना यहाँ पे, तो ये पाथ लेंथ मेरी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। सबसे पहले कंडीशन मेरे को ये हमेशा चेक करनी है, ठीक है, हमेशा मेरे को ये कंडीशन चेक करनी है। उसके बाद क्या देखना है मुझे, क्या मेरी पाथ लेंथ मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा हो गई है, क्या मेरी पाथ लेंथ जो है वो मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा हो गई है या फिर उसके बराबर है, क्या मेरी पाथ लेंथ मेरे मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे यहाँ से वन हो गया,
यहाँ जब हम वापस जाएंगे, अब वन का इटरेशन क्या है, वन के लिए सिर्फ 3 आया था, यहाँ पे मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी? जब मैं एंड में जाके अपनी मैक्सिमम लेंथ को अपडेट करूँगा, यहाँ पे मैं मैक्सिमम लेंथ को अपडेट करूँगा, जब मैक्सिमम लेंथ को मैं पाथ लेंथ, तो ये मैक्सिमम लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं अपडेट करूंगा इसको, मैक्स लेंथ कितनी हो गई मेरी, 1 हो गई ना, क्योंकि नीचे से यहाँ पे इसको 1 मिल गया। अब 1 का जो अगला इटरेशन है वो करूंगा मैं एट नोट, एट फोर्थ नोट, जब मैं फोर्थ नोट के लिए जाऊंगा फिर से मेरी जो मैक्सिमम लेंथ है, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितनी थी, 0 थी, फोर्थ के नीचे तो कोई लेंथ ही नहीं है ना, अभी 1 इसको कुछ रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे जब मैं इसको ऐसे करूंगा, जब ये नीचे चले जाएगा, फिर वापस जब ये ऊपर आएगी कॉल, जब ये वापस ऊपर आएगी, तो सबसे पहले अब मैं इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूँ, नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जब मैं इसके लिए यही सेम कंडीशन चेक करूंगा तो मेरी पाथ लेंथ हो जाएगी 0, पाथ लेंथ मेरी 0 हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो सेम है, तो फिर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर उसके बाद मैं 0 पे आऊँगा, रिटर्न करूँगा, DFS से हम 0 पे गए, फिर 1 पे गए, फिर 3 पे गए, 3 से 1 पे वापस आए, फिर 4th पे गए, फिर अब मैं 1 पे वापस आ गया, 1 पे मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी बढ़ी है, इधर से और इधर से, इधर से कितना रिटर्न हुआ, इधर से रिटर्न हुआ है 0, रिटर्न हुआ है 0, जो मेरी सब लेंथ आई है, जो मेरी रिकर्सिवली मेरे को यहाँ से रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा, रिटर्न 1 मिलेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम लेंथ हर बार रिटर्न करते जाऊँगा ना, हर आइट्रेशन के लिए मैक्सिमम लेंथ पर रिटर्न करते जाऊँगा, और यहाँ से भी मैक्स लेंथ पर रिटर्न कर देता हूँ, और ये लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हम मैक्स लेंथ को एंड में कंप्यूट करेंगे, तो यहाँ पे मैक्स लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, मैक्स लेंथ मेरी 0 होगी, बिकॉज यहाँ से तो 0 आ रहा है ना, और यहाँ से 1 आ रहा है, ठीक है। अब बची बात ऊपर वाले के लिए, अब मैं जब वापस 0 से, यहाँ से 1 से 0 को रिजल्ट देने जाऊंगा, तो यहाँ से तो 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये, अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, बी और ए को कंपेयर करूंगा, जब मैं बी और ए को कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिखता है, एट नोट 0, एट नोट 0, जब मैं यही कंडीशन को कंपेयर कर रहा हूँ, पहले हमने 3 और 1 को कंपेयर करा था, यहाँ पे हमने 4 और 1 को कंपेयर करा, ठीक है, और अब हम यहाँ पे किसको कंपेयर कर रहे हैं, 1 और 0 को कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जब कंपेयर करूंगा, यहाँ पे क्या है, बी है और यहाँ पे ए है, दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पे मैं पाथ लेंथ को +1 कर दूंगा, मेरा पाथ पाथ लेंथ +1 हो जाएगा, पाथ लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ मेरी कितनी थी पहले, 1 थी, अब यहाँ पे 2 हो जाएगी, मैक्स लेंथ मेरी 2 हो जाएगी, क्योंकि पाथ में हमने +1 कर दिया ना, तो यहाँ पे मैक्स करूँगा, यहाँ पे मैक्स लेंथ कॉमा पाथ लेंथ, ये समझ जाना, पाथ लेंथ, और यहाँ पे मैक्स लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्स लेंथ। अब आया ये समझ में, तो यहाँ पे मेरी हो गई 2, यहाँ पे मेरी कितनी हो गई, आंसर कितना आ रहा है, मैक्स लेंथ यहाँ पे आ गई 2। अब जब मैं 0 से, 0 की अगली आइट्रेशन बची ना मेरी 2 वाली, अब जब मैं इसको सब रिजल्ट आ गया इसका, 1 का मैक्सिमम लेंथ 2, अब मैं जब 2 की कॉल मारूंगा, जब मैं 2 की कॉल मारूंगा, फिर वो अगली कॉल मारेगा 2 से 5 की कॉल मारेगा, रिकर्सिवली हम करते जाते हैं ना, फिर 2 का आइट्रेशन होगा, फिर 5 के कोई वो नहीं है तो उसका आइट्रेशन नहीं होगा, फिर हम उसके लिए चेक करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 0 रहेगी, ठीक है। इन दोनों के कैरेक्टर्स भी सेम ही है, यही सेम चीज़ लगा रहा हूँ मैं, सेम चीज़ लगा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 के पास 1 आ जाएगा, कि हाँ ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, इसको 1 मिल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, फिर लेकिन ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों सेम है ना, फिर वो पाथ लेंथ को 0 कर देगा, पाथ लेंथ को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये वाली, तो हमारा, हमको एक आंसर मिल गया है यहाँ पे, हमको आंसर क्या मिल गया, 0 1 3, 0 1 3, 0 1 3, ठीक है, एक मार्कर से ये हमको पाथ मिला है 0 1 3, ये पाथ मिला है हमको, ठीक है, चेक करें एक बार यहाँ पे क्या है, 0 1 3 है बात, तो हमारा आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन हमको आंसर में कितना मैक्स लेंथ मिला है, 2 मिला है, क्योंकि हम ना 0 से नीचे वाली लेंथ को कैलकुलेट करा, हमने इस नोड को इंक्लूड नहीं करा, इसको नहीं करा, तो मैं जब भी आंसर रिटर्न करूँगा ना एंड में, तो +1 कर दूँ,
क्योंकि मुझे वो भी नोट एग्जी वो उसको भी काउंट करना है ना, नंबर ऑफ नोट्स काउंट करना है यहाँ पे कि कितने वो मैक्सिमम पाथ में नोट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी एक कंडीशन लिख लूँगा जो मैंने हर उसमें लिखी है। क्या लिखी है मैंने कंडीशन? इफ एस ऑफ एच, जो जिस एच पे मैं हूँ क्या उसका जो करंट है वो बराबर है, अगर वो बराबर है दोनों तो पाथ लेंथ को क्या करना है? जीरो। यही करा था हमने, पाथ लेंथ को जीरो कर दिया था, वरना हम पाथ लेंथ को क्या कर रहे थे? बढ़ा दे रहे थे प्लस एक पॉइंट, यही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ना ये वाला केस बहुत सिंपल दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे अगर मैं सेकेंड टेस्ट केस को लूंगा, जब मैं दूसरी इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करूँ, जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे इस वाली पिक्चर को, यहाँ पे तुम देख सकते हो ए और ए, ठीक है। इस टेस्ट केस में भी एक्चुअली वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं इसमें एक नोड और एक्स्ट्रा बनाता हूँ। अगर इस वाली ट्री में एक नोड ऐसे होता और एक नोड ये हो जाता जिसके अंदर जैसे फोर्थ है, ठीक है, यहाँ पे फोर दे रखा है, और इसके मार्कर जो है बाहर वो जो इसका लेबल है वो ए हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, जो हमारा पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारा पाथ बनेगा वो बनेगा ऐसा, ये पूरा, एक सेकेंड अच्छे से बनाता हूँ। ये सी भी आएगा, सी और ए भी आएंगे, फिर बी भी आएगा, ये ए भी आएगा, ये पाथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्यों करेगा ये पाथ ऐसा एग्जिस्ट? मैंने ऐसा क्यों लिया? देखो यहाँ पे दो ट्रीज, जीरो के लेफ्ट में भी हमारा एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो के राइट में भी हमारा पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास दो पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको इन्होंने वन पाथ दिखा रखा है, लेकिन हम जब सिर्फ यही कंडीशन से लगाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पाथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी ट्रीज हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो बी और ए भी एडजेसेंट, नहीं बी और ए भी एडजेसेंट है, ए और बी भी एडजेसेंट बहुत आराम से हो सकते हैं, सेम कैरेक्टर्स नहीं है ना, और ए और सी भी है, सिर्फ ए और ए में वो नहीं है। तो अगर जो मैं मैक्सिमम पाथ निकालूंगा तो यहां से बन रहा है 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। तो अब मैं ये कैसे निकालूंगा? यहां पे मैं दो वेरिएबल ले लूंगा, मैं यहां पे दो वेरिएबल ले लूंगा, इसी के अंदर ले लेंगे हम, एक ले लेंगे मैक्स पाथ 1, इसको मैं कर दूंगा 0, वही कंडीशंस लगेंगी लेकिन हम दो पाथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, वरना वो दूसरा वाला पाथ क्या रहेगा? 0 रहेगा, अगर वो पाथ 2 अगर मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा वो हम 0 कर देंगे, और जो हमारा मैक्सिमम होगा ना वो हमेशा मैक्सिमम पाथ 1 को ही रखेंगे, ठीक है, रिटर्न मैक्स पाथ 1। कंडीशंस मेरी सारी सेम रहेंगी, बस अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैं दो पाथ को कैलकुलेट करूँगा, जो मेरे दो मैक्सिमम पाथ होंगे बस उनका मैं मैक्सिमम निकाल के उसको या फिर उसको प्लस कर दूंगा। तो तुम लोग देख रहे हो ना ये पूरा पाथ एक एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं कोई ऐसी ट्री बना दे रहा हूँ ये पूरा पाथ ऐसे, क्या पता अगर मैं यहाँ पे इसका लेबल चेंज कर दूँ ए, यहाँ पे जैसे बी भी कर दूँ इसको, और ये इसको सी कर दूंगा, अगर लेट से इसको सी कर दूँ और नीचे एक नोड और बना दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नोड नीचे बना दूँ ऐसा, ठीक है, और एक ऐसे नोड बना दूँ, और इसके अंदर मैं जैसे लेट से लिख दूँ ये 6th नोड है मेरा, और ये वाला जो नोड है इसका लेट से बी नहीं है ये सी है, यहाँ पे ये नोड ड्रॉ मार, ये नोड लेट से मेरा सी है, ठीक है, ये लोड मेरा लेट से सी है, तो ये क्या बन, और ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या पाथ एग्जिस्ट करेगा? यहाँ मेरा कौन सा पाथ एग्जिस्ट करेगा? और इसको लेट से मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सी बी और सी ए, ये पाथ एग्जिस्ट करेगा, राइट, ये मेरा मैक्सिमम पाथ 1 हो गया, ये मेरा मैक्सिमम पाथ 2 हो गया, समझ रहे हो? क्योंकि बी और बी तो यहाँ पे कंजेकेटिव हो गए ना, कंजेकेटिव मतलब यहाँ पे एडजेसेंट नोड्स होगा ना यहाँ पे, और मेरा एक पाथ ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान से देखो एक पाथ मेरा अब ये भी एग्जिस्ट करने लग जाएगा। ये पाथ की कितनी लेंथ है? 3 लेंथ है,
इस पाथ की लेंथ कितनी है, थ्री, ये कितनी बना रहा है, फोर बना रहा है, वन टू थ्री फोर, और ये बना रहा है कितनी, ये बना रहा है थ्री। इसलिए मुझे हमेशा मल्टीपल पाथ्स के लिए दो, यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम पाथ वन लेना पड़ रहा है और मैक्सिमम पाथ टू लेना पड़ रहा है, क्योंकि जब रिकर्सिवली मैं कैलकुलेट करूंगा ना तो फिर मेरा आंसर ये आना चाहिए, फोर फोर वाला, वरना वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अगर मैं एक ही वेरिएबल लूंगा ना तो जो मेरा ये वाला आंसर आएगा वो थ्री आ जाएगा, क्योंकि फिर वो इस वाले को और इस वाले को अलग अलग चीज अलग अलग कंसिडर करेगा, इन दोनों को प्लस नहीं करेगा वो, ठीक है। तो जब मैं अब यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है, मैक्सिमम पाथ वन और मैक्सिमम पाथ टू। अब मेरे को अपडेट करना है, अगर मेरी जो पाथ लेंथ है, जो मेरी पाथ लेंथ है वो अगर मेरे मैक्सिमम पाथ वन से ग्रेटर देन आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्स पाथ वन को, मैक्स पाथ टू को पहले मैं पहला वाला बना दूंगा और मैक्सिमम पाथ वन को मैं अपना पाथ लेंथ बना दूंगा, ठीक है। एल्स अगर मेरी जो पाथ लेंथ है, जो मेरी पाथ लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स पार्ट टू है, तो सिंपल सिंपल मैक्स पार्ट टू को पाथ लेंथ के बराबर कर दो, ठीक है। हमने क्या करा है, यहाँ पे पाथ लेंथ जो है मेरी मैक्सिमम पाथ से अगर ज़्यादा बड़ी है तो मैक्सिमम पार्ट टू को ये कर दिया, और यहाँ कर दिया। अगर जैसे मेरी तीन वेरिएबल हैं, जैसे जैसे लेट से मेरा जो पाथ लेंथ है वो है सेवन, रुक जाओ मैं टेक्स्ट मोड ही ले लेता हूँ। लेट से मेरा पाथ लेंथ जो है वो है सेवन, ठीक है, जो मेरा मैक्सिमम पाथ वन है वो है सिक्स, और मैक्सिमम पाथ टू जो है मेरा वो है फाइव। अब अगर मेरा पाथ लेंथ सेवन है, पाथ मेरे को ऐसा कोई पाथ मिल गया जो सेवन है, तो ऑब्वियसली मुझे मैक्सिमम पाथ वन को अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं सिक्स को सेवन बना दूंगा और मैक्सिमम पार्ट टू को सिक्स बना दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट टू में मुझे सबसे सेकंड सेकंड मैक्सिमम पाथ चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने जब भी मेरा मैक्सिमम पाथ वन से बड़ा है, मैक्सिमम वन सिर्फ मैक्सिमम पाथ वन जो मेरा फर्स्ट पाथ है, तभी मैंने दोनों को अपडेट करा। पार्ट टू को मैं पाथ वन वाला बना दूंगा और पाथ वन को मैं अपनी जो करंट पाथ लेंथ है वो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लेट्स से ये मेरी फाइव होती और पाथ लेंथ मेरी सिक्स होती, तो ये सिर्फ सेकंड वाले से है ना, तो मेरे को वन को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेकंड वाले को अपडेट करूंगा ना, तो फिर मैंने सेकंड वाली कंडीशन जो थी उसमें सिर्फ मैंने अपनी पार्ट टू को मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी वो कर दी है, बस हमने एक चीज करनी नहीं है, जो हमको करनी है हमेशा एंड में आके हमको अपना मैक्सिमम पाथ जो मेरा आंसर है ना इसको अपडेट करना है। इसको अपडेट में कैसे करूंगा, मैक्स लूंगा, मैक्सिमम पाथ जो होगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने पाथ वन को और पाथ टू को, पाथ वन को और पाथ टू को प्लस कर दे रहे हैं, बस इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरे इस वाले आंसर में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हम पाथ वन को क्यों कर रहे हैं, जो भी मेरी पाथ लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो मेरे मैक्सिमम पाथ में ऑब्वियसली आई जाएगी, और उसको मैं एज अ सब कॉल मैं पाथ लेंथ जो भी मेरा ऊपर होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, मैं यहाँ पे DFS करते करते ऊपर जाएंगे, तो जो भी मेरा नीचे से मैक्सिमम पाथ होगा उसको मैं जाता हूँ ना वन वाले में, जैसे यहाँ पे दो सब ट्री होती, एक की लेंथ यहाँ नीचे तीन होती, यहाँ पे सिर्फ दो होती, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा ना तीन वाली का मेरा आंसर यहाँ पे बना जाए, तो इसलिए मैं अब मेरा जो भी मैक्सिमम पाथ होगा, ऑब्वियसली हम यहाँ पे मैक्सिमम पाथ वन में स्टोर कर रहे हैं ना अपना लॉन्गेस्ट पाथ जो, तो वही चाहूंगा ना मैं अपना मेरा पाथ लेंथ वही शो करे जब मैं DFS की कॉल मार रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम पाथ वन को रिटर्न कर दूंगा हर DFS की कॉल पे। और मैंने ये ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है मैक्स पाथ को, ये मेरा अपडेट कर देगा जो भी मेरा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग होगी या लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ होगा जिसमें एडजेसेंट कैरेक्टर्स नहीं होंगे। यहाँ पे प्लस वन क्यों करा था, बताया था क्योंकि मुझे इंक्लूसिव चाहिए, इंक्लूसिव नोड चाहिए ना, क्योंकि मेरे को नोड्स गिनने, जैसे यहाँ पे जीरो वन थ्री है, जीरो पे क्या लेंथ आएगी, थ्री यहाँ पे वन रिटर्न करेगा, वन यहाँ पे टू रिटर्न कर देगा, मेरे को इस नोड को भी काउंट करना है, इसलिए थ्री प्लस वन कर दिया, ठीक है। एक बार रन कर लेते हैं, सही आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट कर दिया, 20.94%। थैंक यू गाइस, होप सो यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अगर नहीं आता समझ में तो DFS पढ़ो जाके, असाइक्लिक ग्राफ्स में हम DFS कैसे लगाते हैं, या टोपोलॉजिकल सॉर्ट से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, क्यू से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है।
मेरे को डीएफएस में दो तीन क्वेश्चन कर चुका हूँ पीछे डीएफएस से, तो मेरे को लगता है ये अब समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमको प्रोसेसिंग करनी है, पहले एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, डीएफएस की कॉल लगाई, चेक कर रहे हैं कि अगर ये एडजेसेंटली बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम अपनी पाथ लेंथ को इंक्रीज कर दे रहे हैं। दो पाथ्स क्यों लिए, मैक्सिमम पाथ मैक्सिमम पाथ टू, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि दो पाथ्स क्यों लिए मैंने ऐसा ट्री। यहाँ पे इन्होंने टेस्ट केसेस में उस ट्रीज का एग्जाम्पल नहीं दिया है, यहाँ पे सिंपल लग रहा है ये, ठीक है। रिटन टेस्ट केसेस में दो पाथ्स बन रहे हैं, मल्टीपल पाथ्स हैं जिसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। थैंक यू।